हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, आज क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर था। इसके दो सेट थे। फर्स्ट सेट था 055/2/4 और दूसरा था 055/1/4। इन दोनों सेट के आंसर की मैं आपको देने वाला हूं। फर्स्ट में मैं दे रहा हूं पहले वाले की, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट देने वाला हूँ आंसर की। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी है डी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ए। सिक्स क्वेश्चन का आंसर है सी। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, इसके बाद एट क्वेश्चन का आंसर है डी। नाइन क्वेश्चन का आंसर भी है डी। टेन क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा ए। टेन के बाद चलते हैं हम इलेवन क्वेश्चन का आंसर है आपका डी। 12 क्वेश्चन का आंसर है ए। इसके बाद 13 क्वेश्चन का आंसर है सी। 14 का आंसर है ए। ठीक है, इसके बाद 14 के बाद चलते हैं 15 क्वेश्चन का आंसर है डी। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है और 17 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है। 18 क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर है। 18 के बाद 19 क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन सी करेक्ट। 24 सी, 25 ए। इसके बाद 26 ए करेक्ट। ठीक है, 26 के बाद 27 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 28 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 29 के बाद 30 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 31 का भी सी ऑप्शन करेक्ट है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 32 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 33 के बाद 34 में चलते हैं, 34 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 36 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 37 का भी बी ऑप्शन करेक्ट है। 37 के बाद चलते हैं 38 पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 38 का 39 सी ऑप्शन करेक्ट है। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 40 के बाद आपका 41 पे चलते हैं, 41 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 42 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 43 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 44 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 45 पे चलते हैं हम, 45 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 47 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 48 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 49 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका चलते हैं हम 50 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 51 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 52 पे चलते हैं, 52 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 53 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 54 का बी ऑप्शन करेक्ट है और 55 का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट के आंसर की आपको दे दी है, यानी कि 055/2/4 के आंसर की आपको मैंने दे दी है। अब हम नेक्स्ट आंसर की पे चल रहे हैं, जिसका कोड है 055/1/4। आप बताएंगे मुझे कि इस पेपर में आपके कितने मार्क्स आए। चलिए हम दूसरी आंसर की पे चलते हैं। ये दूसरी आंसर की है, इसका 055/1/4 ये कोड है। इसका फर्स्ट का सी करेक्ट है, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का डी, सेवन्थ का डी, एट का डी, नाइन्थ का भी डी, टेंथ का बी, इलेवेंथ का डी, ट्वेल्थ का बी, थर्टीन का ए और 14 का बी और 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 16 से। 16 का सी, 17 का डी, 18 का सी, 19 का डी, 20 का डी, 21 का भी डी, 22 का ए, 23 का ए, 24 का ए, 25 का सी, 26 का डी, 27 का ए, 28 का ए, 29 का सी और 30 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम 31 के बाद चलिए हम 31 से शुरू करते हैं। 31 का सी, 32 का डी, 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके 34 का सी ऑप्शन, 35 का सी ऑप्शन, 36 का ए ऑप्शन और 37 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हम 37 का, 38 का ए ऑप्शन, 39 का डी ऑप्शन, 40 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 41 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 43 का भी डी ऑप्शन करेक्ट है, 44 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 45 का सी ऑप्शन करेक्ट है।
इसका चलते हैं हम 47 से 46 से, 46 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 47 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 48 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 49 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है, 50 का बी, 51 का डी, 52 का सी, 53 का बी और 54 का ए एंड 55 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों आंसर की आपकी हो गई 0, 5, 1, 4 एंड दूसरी 0, 5, 2, 4, इन दोनों के आंसर की मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर के आंसर की के साथ, तब तक आप ये क्वेश्चन मुझे दीजिएगा। जय हिंद।